हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, क्या हाल है आप सबके। एक वीडियो किया था मैंने 2 दिन पहले, और वीडियो वाज अबाउट कि आपका वेट क्यों नहीं रिड्यूस हो रहा, क्या अप्रोच हम करते हैं, किस तरह की अप्रोच लेते हैं। उस पर मैक्सिमम कमेंट्स एंड मैक्सिमम मैसेजेस ये थे कि मेरा सिर्फ बेली फैट है, बेली फैट को कैसे रिड्यूस करना है, मेरा सिर्फ स्टमक है, मोस्टली मैसेजेस यही थे। तो क्या कारण है कि सिर्फ बैली ही हमारा बाहर होता है, सिर्फ स्टमक का फैट हमें तंग करता है, कई बारी बाकी बॉडी पतली होती है, ऐसा क्यों है कि स्टमक के ऊपर फैट सबसे पहले आता है एंड बाद में जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, किस तरह की अप्रोच हमें अपनानी चाहिए, किस तरह की डाइट, किस तरह की एक्सरसाइज, तो उसके बारे में आज हम सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर आपका बैली फैट है, ओवरऑल फैट है, तो बेली फैट है, उसके बारे में हम वीडियो कर चुके हैं। बेली में फैट ज्यादा क्यों आता है, अगर आप अपने सारे शरीर को देखें, ठीक है, मसल्स है, मास है, सबसे बड़ा मसल जो हमारी बॉडी का होता है वो लेग्स का होता है, थाई मसल होता है, लार्जेस्ट मसल इन आवर बॉडी। सेकेंड लार्ज जो होता है वो बैक का होता है, उसके बाद छोटे छोटे मसल्स आपके ट्राइसेप, बाइसेप, ठीक है, काफ मसल्स, इसी तरह से ही जो आपके स्टमक के मसल्स हैं, जो आपके बैली के मसल्स हैं, ठीक है, तो वो भी आपके छोटे छोटे मसल्स हैं, बट हम क्या करते हैं, कभी उनको उनकी मूवमेंट नहीं करते हैं, कभी उनको ट्रेन नहीं करते हैं। अब जिन लोगों को ने कभी एक्सरसाइज नहीं की, मान लो घर का काम किया है, अगर घर का काम किया है उन्होंने स्टिल बैक के मसल्स को फील किया होगा, लेग्स को फील किया होगा कि वो सीढ़ियां चढ़ते हैं उतरते हैं, या कपड़े धोने में ट्राइसेप बाइसेप फील किया होगा, बट कभी भी स्टमक एक ऐसा पार्ट है जो डायरेक्ट, हम कोई ऐसा काम नहीं है घर का या ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, अगर नॉर्मल बंदे की बात करें कि आपका स्टमक यूज हो, अंटिल अनलेस लेबर का काम होता है कि ऊपर यू नो बरेजी, जो बरेती एंड बजरी चढ़ाना, वो पूरा वो लेके, देन आपके स्टमक के मसल जो है खींचते हैं। तो स्टमक के मसल्स एक बंदे के तभी यूज होंगे, एक आम लेडी के, आम इंसान के, जो जॉब करता है, जो हाउसवाइफ है, अगर वो स्पेशली टाइम निकाल के अपने स्टमक के लिए कुछ करती है या करता है, अदरवाइज उनका घर में ऐसा कोई रूटीन नहीं है कि उनके स्टमक मसल्स यूज हो रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी बाकी बॉडी यूज होती है बट हमारे स्टमक मसल्स नहीं यूज होते हैं। इनफैक्ट जो आपके बैली मसल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं होते हैं, वहां पे फैट का अकमुलेशन होना जो है ज्यादा हो जाता है, कि फैट का अकमुलेशन आपका ज्यादा होगा, मसल्स कम है, जहां जहां आपके मसल्स कम रहते हैं बॉडी में वहां वहां फैट का अकमुलेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जब आप मसल्स को ट्रेन नहीं करते, जब आपका जो लाइफ स्टाइल है वो ठीक नहीं होता, तो ये कारण है आपका बैली फैट आने का। दूसरा कारण है जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है। जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट कब होती है, जब आपके डाइट में बहुत ज्यादा बेकरी, मीठा, मैदा, जंक, ऐसे फूड्स हैं जिनका यू नो जो आपकी बॉडी को इंसुलिन स्पाइक देते हैं इमीडिएटली, ठीक है, मीठा, मिठाइयां, ऐसी डाइट बहुत ज्यादा है, ऐसी डाइट में बहुत कम अमाउंट में भी कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, प्लस ये आपके इंसुलिन को स्पाइक देती हैं। इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, जब उसको बार बार जो है स्पाइक मिलेगा, उसको बार बार डिस्टर्बेंस मिलेगी, वो बार बार निकलेगा, निकलता रहेगा, तो धीरे धीरे क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है तो वो आपके फैट की ग्रोथ को बढ़ाता है, तो दूसरा का बड़ा कारण ये है बेली फैट का। तीसरा बड़ा कारण ग्लूटन है आपके बेली फैट का। लोगों को कई बार पता ही नहीं होता कि मुझे ग्लूटन से एलर्जी है, वो रोटियां खाते रहते हैं ग्लूटन वाली, कनक वाली, उनका स्टमक अपसेट रहता है, स्किन पे रैशेज होते हैं, ब्लोटिंग रहती है, छोटे छोटा, क्योंकि एलर्जी का भी ना एक लेवल होता है कि एलर्जी कम शम है, कई बार वो टेस्ट में भी नहीं आती है, कई बार ऐसा होता है कि हम फटाफट भागते हैं कि ग्लूटन का एलर्जी टेस्ट करा लो, बट एलर्जी टेस्ट में नहीं आती, और फिर हम टेस्ट पे इतना रिलायबल हो जाते हैं कि टेस्ट में तो आया नहीं ग्लूटन एलर्जी तो मुझे नहीं है, बट कुछ अमाउंट में ग्लूटन एलर्जी आपको होती है जो आपके टेस्ट में भी नहीं आती। मैं हमेशा बोलती हूँ टेस्ट में कोई चीज, ब्लड में कोई चीज आने आए उसको बॉडी में इतना बढ़ना पड़ेगा कि वो ब्लड में आए, तो अगर टेस्ट में चीज नहीं आ रही है, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप सिम्टम्स पे थोड़ा विश्वास कीजिए, ब्लड टेस्ट पे विश्वास ज्यादा ना कीजिए।
तो ग्लूटन की एलर्जी होने से वजह, ग्लूटन की जो एलर्जी है उसकी वजह से भी आपका बेली फैट रहता है, आपके फैट पे इन्फ्लामेशन, आपके बेली पे इन्फ्लामेशन, इंटरनल इन्फ्लामेशन रहती है। जब इंटरनल इन्फ्लामेशन रहेगी बिकॉज ऑफ ग्लूटन एलर्जी, तो बेली फैट भी ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट कारण है जी आपका फैटी लिवर। फैटी लिवर अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी होना, लाइफस्टाइल बैड होना, फैटी लिवर होना, ये कनेक्टेड चीजें हैं। तो फैटी लिवर जिन लोगों का होता है, लिवर का साइज जो है वो बड़ा होता है, इन्फ्लामेशन होती है, इनलार्ज्ड होता है, उनका भी बेली फैट ज्यादा होता है। जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरह की बियर से लेके कोई भी महंगी सस्ती शराब जिसमें अल्कोहल कंटेंट है उसका इस्तेमाल करते हैं, आप डेली करते हैं या अल्टरनेट डे पे करते हैं, वीकली करते हैं, डिपेंड कितना करते हैं उस हिसाब से आपका बेली फैट आता है। तो अल्कोहल इज अगेन अ बिग रीजन फॉर योर बेली फैट, क्योंकि अल्कोहल में न्यूट्रिशन जीरो एंड एम्प्टी कैलोरीज ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से आपका स्टमक फैट बढ़ता है। अगला कारण है आपका बैड लाइफस्टाइल, जैसे आपका डाइट जो है वो स्टेबल नहीं है, या तो आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं या आप खा ही नहीं रहे हैं, या आपका डाइट में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी डाइट में आपने गिना चुना है कि प्रोटीन है ओके, फाइबर है ओके, ऐसा नहीं है, बस आपको जो बना जो आया पेट भर लिया, सर्वाइवल मोड पे रह के वैसा सा आपने लाइफस्टाइल फॉलो कर लिया है ना, एक्सरसाइज कभी करके नहीं देखी, ठीक है। और इस वजह से जैसे मैंने शुरू में वीडियो के बोला आपको कि सारे मसल्स, हम कपड़े धोते हैं, मान लो अगर हम पोचा लगाते हैं, हम घर के काम करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सारे मसल्स यूज हो जाते हैं, बट जो स्टमक मसल्स हैं वो कम यूज होते हैं। एंड उनको यूज करवाने की आप फील करके देखो, मैं आपको बोलूं आप अपने बेली मसल्स को फील करो 2 मिनट, तो कितने लोग कर पा रहे हैं अपने बेली मसल्स को फील, बहुत कम होगा। तो बैड लाइफस्टाइल में आपका स्ट्रेस, स्लीप, वैसे स्ट्रेस का जो है, स्ट्रेस का अगर हम देखें कि स्ट्रेस की वजह से अगर हार्मोनल इंबैलेंस है तो मोटापा है स्ट्रेस की वजह से, पर डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से अगर हम सिर्फ स्ट्रेस को बेली फैट से जोड़े कि स्ट्रेस है उससे बेली बढ़ गई, बहुत बहुत कम चांसेस हैं, बहुत बहुत कम। हाँ, स्ट्रेस की वजह से कोई और प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की वजह से आपको बेली फैट हो गया वो होता है, अदरवाइज खाली स्ट्रेस है उसकी वजह से बेली बढ़ गया, तो मैं स्ट्रेस का ज्यादा इसमें रोल नहीं मानती हूँ। मेन रोल में आपके जो मैंने आपको बताया उन चीजों का ही मानती हूँ। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें वो फूड छोड़ने पड़ेंगे जिनकी वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है, जैसे कि आपका मीठा, आपका मैदा, बेकरी। देखें डेली में आप कितना मीठा ले रहे हैं, उसको अवॉइड करें। अगर चाय में भर भर के मीठा ले रहे हो आप, तो कोशिश करें उस स्टीविया के पत्ते की चाय बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। शुगर फ्री वगैरह भी आप रहने दो, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन होती है उनकी, एंड फॉर अ टाइमिंग तो ठीक रहता है, बट डेली रूटीन में हम नहीं यूज कर सकते। अदरवाइज आप शक्कर का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट अगेन इट्स अ मीठा। अगर हम मीठे की बात कर रहे हैं, मीठे को अवॉइड करने की बात कर रहे हैं, बेली फैट की बात कर रहे हैं, तो हम ओवरऑल ही अवॉइड करेंगे। हम फीका चाय पानी लेंगे अपना, या फिर स्टीविया यूज करेंगे, या फिर शहद यूज करेंगे। तो थोड़ा सा हमें इस तरह से अपने मीठे की क्रेविंग्स को बंद करना होगा। मोर ओवर अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। आप अपना पानी बढ़ा के देखो, आपको मीठे की जो क्रेविंग्स हैं वो कम हो जाएगी। आप मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दो, मैग्नीशियम की कमी की वजह से एंड पोटेशियम की कमी की वजह से भी आपको मीठे की क्रेविंग्स होती हैं। आप अपने डाइट में नट्स, अच्छा फैट, देसी घी, इन चीजों को बढ़ा दो, आपका जो मीठे की क्रेविंग है वो खत्म हो जाएगी। आप अपने डाइट में अच्छा प्रोटीन ले आओ तो भी आपकी मीठे की क्रेविंग खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो आपके मीठे की क्रेविंग्स खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से मीठा हम कम खाएंगे, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होगी, तो हमारा बेली फैट भी नहीं होगा। पहला सोल्यूशन इसका ये है। दूसरा सोल्यूशन है, अगर आपको लगता है कि कनक का इस्तेमाल करने से, ब्रेड का इस्तेमाल करने से आपके फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, आपके बाल झड़ रहे हैं, या फिर आपका आपको स्किन पे रैशेज हो रहे हैं, इस तरह के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप अपना ग्लूटन कुछ दिन छोड़ के देखिए। अगर आपको पेट फूला फूला रहता है, हाथ लगाने से भी दर्द रहता है, तो आप थोड़ा टाइम ग्लूटन छोड़ के देखें, कनक की जगह बाजरे का आटे का इस्तेमाल करके देखें जो कि ग्लूटन फ्री है,
उससे आपके पेट को राहत मिलती है। अगर ग्लूटेन एलर्जी की वजह से आपका बैली फैट है तो डेफिनेटली वो आपका ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा विद इन अ वीक। फैटी लीवर वजह है, फैटी लीवर के लिए आप डिटॉक्स जरूर करें, आप फाइबर का ज्यादा इस्तेमाल करें। अपना मैं हमेशा बोलती हूँ फैटी लीवर के लिए अपना ब्रेक इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी गुड। अपना ब्रेकफास्ट क्विट करके आप ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक ग्रीन स्मूदी लें जिसमें आप अपनी वेजिटेबल्स डाल के या फिर वेजिटेबल जूस या वेजिटेबल स्मूदी लें जिसमें कोई मीठे का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। तो यही एक चीज आप ब्रेकफास्ट में लीजिए जो आपके लिवर को डिटॉक्स करेगा, क्योंकि लीवर फैटी होने का की बैड न्यूज ये है कि ये आपकी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाता है, डायबिटीज का कारण बनता है, कैंसर का कारण बनता है, आपके बेली फैट का कारण बनता है। बट गुड न्यूज ये है कि अगर आपका लिवर एक बार डिग्रेड हो जाता है, फैटी लिवर हो जाता है, उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, तो विद इन अ 2 ईयर्स आप उसकी हेल्थ को 100% जनरेट भी कर सकते हो। तो लिवर इज द ऑर्गन जो आपका रीजनरेट होता है, तो ये बहुत ही गुड न्यूज है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी वेरी गुड टू रीजनरेट योर लिवर। देन आपका एल्कोहल, एल्कोहल आपको डेफिनेटली क्विट करना पड़ेगा। या तो अगर आप एल्कोहल पी लो आप, या फिर आप ये सोच लो कि मेरा बेली फैट कम होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए। दोनों में से एक चीज ही हो सकती है। अगर आप एल्कोहल लेते हैं तो लोगों से पूछना छोड़ दीजिए कि मेरा बेली फैट कैसे कम होगा, मेरा ये क्या होगा, तो आराम से बैठ जाइए। या फिर डिसीजन ले लीजिए कि मुझे इसको एल्कोहल को क्विट करना है, ये मेरे दिमाग के लिए, माइंड के लिए, बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो मुझे उस हिसाब से चलना है। देन आपको अपने लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में सबसे पहला आपका डाइट, डाइट में दो चीजें मेन आपकी गुड फैट्स एंड फाइबर अगर है तो बेली फैट को बहुत जल्दी हम मात दे सकते हैं। फाइबर आपके हर मील में होना बहुत जरूरी है। जैसे कि सुबह अगर आप अपना डे स्टार्ट करते हैं नट्स के साथ, सीड्स के साथ, तो बहुत अच्छा फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम आपके अंदर जाता है जो आपके बेली फैट को कम करने में हेल्प करता है एंड बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है, सो दैट आपका फैट ज्यादा ना बढ़े, मोटापा ज्यादा ना बढ़े। तो अपना डे इस तरह से स्टार्ट करें। उसके बाद जो आपने चाय लेनी है वो फीकी या स्टीविया वाली लें। ब्रेकफास्ट में मेक श्योर करें कि जो भी आटा आप यूज कर रहे हैं, चाहे रागी, चाहे कनक, चाहे बाजरा, उसमें उसका फाइबर मिक्स जरूर करें। अगर कनक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रैन 50-50 करें, बाजरा कर रहे हैं उसको भी 50-50 करें। इस तरह का आटा इस्तेमाल करके आप अपना रोटी बनाएं। कभी कभी आप जो है फाइबर रिच पोहा भी ले सकते हैं। इस तरह के मैंने कई बार आपको वीडियोस में बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। खाली आप वेजिटेबल जूस भी ले सकते हो अगर फैटी लिवर है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि ब्रेकफास्ट करना ही करना है, क्विट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट डू नॉट स्टार्ट योर डे विद भर के ब्रेड और रस, बिस्किट, चाय। ठीक है, चाय लो बट उसके साथ नट्स का इस्तेमाल करो। देन लंच में अगेन आप अपने राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस में थोड़ा सा देसी घी डालोगे तो वो थोड़ा और आपके लिए अच्छे फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी घर की लेस तड़के वाली दाल का इस्तेमाल करें, या फिर जैसे मैंने आटा बताया आपको फाइबर रिच आटे के साथ आप आटे की रोटी आप खाएं, विद कुछ भी आप दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं या सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम को अगेन आप जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सैलड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टी के साथ। एंड रात को अगेन जो आपका आटा मैंने बोला है। तो मेन बेली फैट के लिए यू हैव टू वर्क ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट इज योर फाइबर, मेक श्योर आपके हर मील में फाइबर है। एंड दूसरा गुड फैट्स, गुड फैट्स के लिए नट्स ऐड कीजिए, और जो जितने भी सीड्स हैं, नट्स हैं, देसी घी हैं, ये सारी चीजें ऐड कीजिए। जो भी बिस्किट आप खा रहे हैं, रस आप खा रहे हैं, ब्रेड्स आप खा रहे हैं, इसका इस्तेमाल ना करें, एल्कोहल का इस्तेमाल आप ना करें। दूसरी चीज एक्सरसाइज, जैसे मैंने बोला आपको कि बेली मसल्स बहुत बारीक होते हैं, बेली मसल्स को फील कैसे कर सकते हैं आप बैठे बैठे, मैं पहले आपको ये बताऊंगी। जैसे आप सीधा बैठे हैं, अपने पेट को अंदर खींचो, खींच के बैठो, ये आदत डाल लो। कभी कभी करते हैं ना हम, जब कोई शादी पे जाते हैं, लहंगा डालना होता है या कुछ डालना या फोटो खिंचवानी होती है, स्पेशली हम पेट अंदर करते हैं ना, तो दैट इज एक्सरसाइज ही है वो, पेट अंदर करना और बाहर करना। उसको थोड़ा सा थ्रू आउट द डे माइंड में रखा करो, पेट को
थोड़े से पेट के मसल्स आपको फील होते रहें। अदरवाइज यहां पे मैं आपको 3-4 एक्सरसाइजेस जरूर बताने वाली हूं कि 3-4 एक्सरसाइजेस बेली फैट के लिए, बट खाली एक्सरसाइजेस भी क्या करेंगी अगर बाकी चीजें ना होती, इसलिए मैंने आपको सारे पहले बाकी चीजें बताई हैं। इसके अलावा स्ट्रेस का डायरेक्ट रोल बहुत कम होता है बेली फैट को लेके, बट हाँ थ्रू किसी डिजीज होता है, तो स्ट्रेस पे आप अपना वर्क करें एंड देन अपनी स्लीप पे भी वर्क करें, तो ये हेल्पिंग हैंड्स हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे पूछो कि आपको सप्लीमेंट्स बेली फैट के लिए कौन सा लेना चाहिए, तो आई विल से मैग्नीशियम मस्ट है, मैग्नीशियम 330 mg डेली रात को सोने से पहले, क्योंकि ये आपके बेली मसल्स को, ये ओवरऑल मसल्स पे आपके काम करता है, ठीक है, अनकॉन्स्टिपेशन पे वर्क करता है, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो इसका इस्तेमाल आप करें डेली। आप जीलियोर का मैग्नीशियम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसकी 2 सर्विंग में 330+mg जो मैग्नीशियम है रात को सोने से पहले ले सकते हैं। एंड दूसरा जो सप्लीमेंट है दैट इज ओमेगा 3 का सप्लीमेंट भी जीलियोर का भी आप ले सकते हो, किसी और कंपनी का भी ले सकते हो, बट ओमेगा 3 का सप्लीमेंट भी बहुत जरूरी है अगर आप अपने बेली फैट को कम करना चाहते हो। तो ये 2 सप्लीमेंट आपकी रूटीन में होने चाहिए, 3 months to 4 months इसका लगातार इस्तेमाल करें, 6 months लगातार इस्तेमाल करें, उसके बाद इसका थोड़ा 2-3 महीने के लिए क्विट करके फिर दोबारा इस्तेमाल करें, तो इनको अपने रूटीन में रखें, कहने का मतलब ये है। एंड इसके अलावा थोड़ा सा प्रोबायोटिक जो रिच चीजें हैं वो लें, जैसे आपका दही हो गया, ठीक है जी, और आपका जैसे स्प्राउट्स हो गए, उसमें बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं, क्योंकि वो पुंगरते हैं पूरा जब हम उनको पानी में रखते हैं, भिगो के रखते हैं, तो इस तरह से जो प्रोबायोटिक रिच चीजें हैं वो अपना इस्तेमाल आप करें, दही लें, लस्सी लें, आप स्प्राउट्स लें, ऐसी चीजों का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अच्छा गुड बैक्टीरिया जब आपके स्टमक में जाता है तो डेफिनेटली बेली फैट कम करने के लिए आपकी अच्छी स्टमक हेल्थ होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दिखाती हूँ, मैं सेल्फ लाइव कर रही हूँ, सो थोड़ा सा कोई है नहीं यहाँ पे मेरा वीडियो शूट करने के लिए, आई जस्ट फिक्स। तो कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको दिखाती हूँ जो आप इवन बेड पे भी कर सकते हैं, जो कि आपके स्टमक मसल्स को फील करवाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट एटलीस्ट आप फील तो करो कि भाई मसल्स कहाँ हैं, कैसे हैं, ठीक है, तो ही आपको फर्क पड़ेगा। सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वेरी सिंपल, हाथ पीछे इस तरह से, एक मिनट में इसको ऐसे रख के देखूं, मे बी हाथ पीछे, आपने सिर्फ सपोर्ट लेना है, ज्यादा हाथों का रोल नहीं है, दोनों लेग्स को आप फोल्ड करेंगे, देन आपने बाहर को करना है, अंदर को फोल्ड करना है। शुरू शुरू में आप थोड़ा इस तरह से मतलब हिलेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपने ये बनाना है कि आपने अपना जो ऊपर का बॉडी है वो थोड़ा स्टेबल रखना है, थोड़ा नॉर्मल रखना है, ठीक है। 1, 2, 3 एंड एक इस एक्सरसाइज को करते टाइम अपने अपने स्टमक को पूरा जैसे फोटो खिंचाते टाइम अंदर रखते हैं ना, वैसे रखना है। तो इसके आप 10 reps भी लगा सकते हो, 5 reps भी लगा सकते हो, जितना मतलब डिपेंड करता है, अगर ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हो तो 20-30 भी लगा सकते हो। तो इसके 3 sets आपने करने हैं, ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको भी करके दिखाया है। एंड दूसरा है सीजर किक्स, ये भी सेम ही पोस्चर में है, पिछला पोस्चर सेम रहेगा, इसमें हम सिर्फ जो लेग्स हैं वो ऐसे सीजर की तरह करते हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये पूरा आपने यहाँ पे जो लोअर बेल्ट है यहां पे कॉन्सेंट्रेट करके रखिए। बिना सपोर्ट के इसका एडवांस वर्जन है, बट बिगिनर्स के लिए हाथ नीचे रख के सपोर्ट रख के है। एंड तीसरा यूनिवर्सल एक्सरसाइज ऑफ बेली इज प्लैंक, मतलब ये 3 इतने सिंपल एक्सरसाइजेस हैं
कि आप आराम से उठे हो, बेड बेड पे सो रहे हो, कभी भी आप आराम से बेड पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्लैंक के लिए, प्लैंक आप सबको पता ही है, इसमें भी आपने अपना बैली को पूरा यहाँ पे जो है पूरा स्ट्रेच करके रखना है पूरा, ठीक है। इसको आप 5 सेकंड 10 सेकंड से स्टार्ट करके 1 मिनट तक भी कर सकते हो। उसके अलावा एक सिंपल सी एक्सरसाइज बताती हूँ लास्ट, जस्ट टू फील योर दिस थिंग। ऐसे खड़े होके बस ऐसे खड़े होके आपने सिर्फ इसको फील करना है, खींचते रहना है, खींचते रहना है, खींचते रहना है। तो वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइज, इवन आप बेड पे भी कर सकते हो ये एक्सरसाइजेस। तो स्टमक के मसल्स को फील करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बैली में भी आपके मसल्स हैं। जितना आप मसल्स को ट्रेन करोगे ना, मैं आपको अपने स्टमक मसल्स की स्टोरी बताती हूँ, हाउ इट हेल्प्ड मी। लाइक क्या है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो, लाइक बिफोर मैरिज मैं वर्कआउट करती थी, मैं शुरू से वर्कआउट करती हूँ, तो बिफोर मैरिज भी मैं वर्कआउट करती थी। तो जब आप वर्कआउट करते हो, आप अपना स्टमक भी लगाते हो, आप एब्स की एक्सरसाइजेस भी करते हो, तो एब्स की एक्सरसाइज करते थे तो थोड़ा बहुत आप मसल्स फील होते थे कि हाँ, मुझे लगता था कि यस मैं वर्कआउट करती हूँ, मेरा पेट जो है वो खिंचा हुआ है, थोड़े मसल्स फील होते थे, थोड़ा बहुत शेप भी था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे, मैंने मोर देन 27 kgs पुट ऑन किया। बहुत सारे लोगों ने मेरा आफ्टर बिफोर भी देखा है, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी अगर कई लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ। तो बैली ऐसे हो गया था यहाँ तक, लिटरली मतलब यहाँ तक, और मुझे फिक्र था। दो मैं एक्सरसाइजेस करती थी प्रेगनेंसी में भी, बट वो फिर प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस थी, वो बैली की एक्सरसाइज थोड़ा ना कर सकते। मुझे यही टेंशन थी कि यार वंस मैं डिलीवर करूँगी तो क्या मेरा मतलब स्टमक जो मेरी शेप है वो कभी वैसी होगी, तो मैं डाउट में थी। बट अब मानोगे नहीं, देन मैंने जब डिलीवर किया एकम को, विद इन अ ईयर उससे भी अच्छी शेप, उससे भी ज़्यादा मस्कुलर अच्छे शेप मेरे स्टमक की आनी स्टार्ट होगी। मुझे लगता है कि वो बेस्ट बॉडी एक बार थी मेरी जो एकम के बाद विद इन अ ईयर हुई। क्यों? क्योंकि एक टर्म होती है मसल मेमोरी। अगर आज आप अपने मसल्स को ट्रेन करते हो थ्रू डंबल्स, थ्रू बॉडी वेट, थ्रू योगा, किसी भी वजह से, जरूरी नहीं है मसल्स का नाम लेते, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर मैं मसल्स का नाम ले रही हूं तो जिम जिम जिम, क्योंकि कई लोगों की लिमिटेशन होती है, वो नहीं जा सकते जिम या कुछ है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मसल्स, अच्छा मसल्स का वर्कआउट तो जिम में होगा। आप योगा भी आपके मसल्स पे वर्क करता है, पिलाटे भी मसल्स पे वर्क करता है, नॉर्मल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी, अब घर पे भी ये जो आपका यू नो डंबल्स हैं या छोटी छोटी चीजें हैं, ये सारा आपके मसल्स पे वर्क करता है। तो मेन बात होती है कि हम थोड़ा बहुत मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। नहीं आपको नॉलेज है, आप अंडर ट्रेनर करो, नॉलेज है बहुत अच्छी बात है। तो जब आप एक मसल मेमोरी होती है, अब मान लो आपने बहुत मसल्स का यू नो वर्कआउट किया, उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, प्रेग्नेंट नहीं तो मान लो आप कुछ ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया कि आप 2 साल वर्कआउट कर ही नहीं पाए। जब 2 साल बाद ठीक ठाक होके आप दोबारा एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे ना, तो सेम शेप, चाहे वो आपके स्टमक के मसल्स की हो, थाइस के मसल्स की हो, वो सेम शेप आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एवरी सिंगल मसल हैज अ मेमोरी। वो जब आप स्टार्ट कर देते हो उसको दोबारा ट्रेन करना, उसकी मेमोरी वापस आने लगती है, एंड वो वापस उससे भी बढ़िया फॉर्म में जो है वो स्टार्ट हो जाता है बनना आपका।
तो ये मेरे साथ लिटरली मैंने पढ़ा था व्हेन आई वाज डूइंग कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज जब मैंने किए थे एक्सरसाइजिंग के, तो उसमें मैंने पढ़ा जरूर था कि मसल मेमोरी एक टर्म होती है, इवन हमें क्वेश्चन भी आता था कि मसल मेमोरी के ऊपर, बट मैंने वो मसल मेमोरी लिटरली प्रैक्टिकली देखा आफ्टर माय प्रेगनेंसी, आफ्टर एकम मैंने वो चीज देखी। सो बात होती है कि हम अपने आप को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं। टाइम हर एक के पास होता है, बात होती है सिर्फ निकालने की। सबसे बड़ा झूठ है कि मेरे पास टाइम नहीं है। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ वर्कआउट करके। आज मुझे वर्कआउट मैंने ऑलरेडी कर लिया था, बट आपके लिए मैंने जो 4 एक्सरसाइजेस दिखाई, एटलीस्ट वो एक्सरसाइजेस जरूर किया करो, सो दैट आपके भी थोड़ी सी मसल मेमोरी बने आपके स्टमक मसल्स की, सो दैट बेली फैट रिड्यूस हो। एंड खाली एक्सरसाइज नहीं, बाकी भी सारी जो चीज़ें बताई हैं उन पे भी गौर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।